जो घटना घटित हुई है उसके विषय में कैसे घटना घटित हुई या क्या क्या उसके कारण रहे उसी विषय में आयोग के सदस्यों ने हमसे पूछा और हमने उसी बात को जो है वहाँ देखा या सूचना प्राप्त हुई लोगों से देखा जानना जो जानकारी मिली उसी के आधार पर हमने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी है। जो भी सही मायने में दोषी हैं जांच में जो निकल के आए हम वो चाहते हैं जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं ऐसे घटना हुई है तो बाबा ही उसमें मेन थे और ये जांच का विषय है कि दोषी कौन है मगर जो हमने देखा है वो हमने आयोग के समक्ष रखा है। ठीक डॉक्टर रविकरण सिंह हाथरस निवासी हूँ मैं। हम तो समाज हित में जो हमारे जिले की हमारे नजदीक सिकंदराव तहसील में जो वाकया हुआ है हम सब बेहद दुखी हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और आगे इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसके लिए शासन प्रशासन कड़े नियम बना जो परमिशन होती है परमिशन से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो और इतनी बड़ी घटना है तो हम तो बहुत ज्यादा व्यथित हैं। उसके बाद भी जो मेन लोग मुद्दई हैं उनको नामित नहीं किया गया है। चंद पांच सात दस लोगों को आप नामित करके इतने बड़े खुलासे को हैं इतनी बड़ी डेथ हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बस इसी अपील के लिए आए थे। बिल्कुल जिम्मेदार हैं बाबा घटना के जिम्मेदार हैं उनकी कार्य समिति है उनकी आयोजक समिति है लेकिन सिर्फ चंद लोगों को ही उसमें मुद्दई बना के इस खुलासे का पूरी तरह से पटापेच नहीं हो सकता। बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल ये आयोजन पहली बार नहीं है। हाथस में आयोजन होते रहते हैं। अभी डेढ़ साल पहले करीब हाईवे पे आयोजन हुआ था और स्थानीय लोग हमारे पास आते रहे चिकित्सक हमारी क्लिनिक पे भी लोग आते हैं तो ऑलरेडी बताते हैं कम पढ़े लिखे लोग लेबर वर्ग वैसे तबके वाले अशिक्षित लोग हैं तो वो तो भीड़ में कहीं कुछ हमें मिलेगा है कैसा भी है चाहे वो कुछ भी मिले वहाँ आदमी पहुँचते श्रद्धा है अपनी अपनी भक्ति है श्रद्धा है। अब बाबा के साथ क्या है किस तरह के वो बातें करते हैं हम तो कभी उनके कार्यक्रमों में गए नहीं है लेकिन दूर से जो कार्यक्रम होते हैं तो कभी सुनने में आ जाता है। अभी शहर में सात आठ साल पहले भी कार्यक्रम हुआ था लाखों की भीड़ जुटती है इनके कार्यक्रमों में। बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए बिल्कुल जब तक बाबा पे कार्यवाही नहीं होगी तो ये सारी हमारी सामाजिक जो वेदना है वो बनी रहेंगी और बहुत बड़ी चीज है कि मुख्य लोगों को बचा के सीमित लोगों को बस इसमें इंगित करके सही चीजें सामने नहीं आएंगी। दुखद घटना है उस घटना की हम भर्त्सना करते हैं शासन से अपील करते हैं कि जो भी चीजें न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी को बख्शा नहीं जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है और मैं किसान संगठन से हूँ। मैं यहाँ जिले का वासी होने नाते मुझे जो पीड़ा है आज उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हमें जैसे पता चला था कि आज जो जांच कमेटी है वो लोग आए हुए हैं और पब्लिक से मिलेंगे तो हम लोग यहाँ अपनी जो बातें थीं जो हमने वहाँ दृश्य देखे थे जो हमें पता था उसको आके हमने साझा किया क्यों कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि इस जांच के माध्यम से जो दोषी हैं वो बख्शे न जाएं क्योंकि ये घटना जो बहुत बड़ी घटना है इसकी आगे कभी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। लेकिन मैं आपको बता दूं मौके पर जैसे मैं पहुंचा था वहां मौके पर जाके मैंने देखा था मौके पर देखा था जो मैंने वहां मौके का जो दृश्य था बहुत भयानक था। डेड बॉडियां पड़ी हुई थी वहां हमारा जो जिला प्रशासन था मैं देखा था एसडीएम साहब थे पुलिस प्रशासन था वो सारे के सारे डेड बॉडियों को शिफ्ट करने में हॉस्पिटल भिजवाने में और जो घायल थे उनको भिजवाने में हम लोग आसपास के क्षेत्र के काफी लोग लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो हमने यही काम किया जो हमारा फर्ज बनता था आसपास क्षेत्र ने प्रशासन के साथ मिलके सभी को शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में और उसके बाद हमने वहाँ लोगों से बातचीत में साफ ये चीजें क्लियर होके आई थी कि बाबा ने अपना एक प्रोटोकॉल बना रखा है वहाँ जहाँ सत्संग चलता है जिस सत्संग पांडाल में चलता है वहाँ एक तो प्रशासन और प्रशासन को जाने की अनुमति नहीं होती। बाबा वहाँ सिर्फ अपने भक्तों को अंदर जाने देते हैं और अंदर न वीडियो कोई अलाउ है अगर कोई वीडियो बनाता है तो उससे फोन छीन लिए जाते हैं बाबा के भक्तों जो स्वच्छाकर्मी छीन लेते हैं। तो अंदर जो एक बात चल रही है अंदर लोगों ने बताया कि बाबा ने एक बात कही थी
कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पैरों की रज उसको अपने शरीर से लगा देगा तो वो निरोग, उसकी काया निरोगी हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे बाबा वहां से निकल के आते हैं बाहर, तो प्रशासन था उनको तो पास जाने की अनुमति थी नहीं। बाबा के जो निरीक्षा कर्मी थे, बाबा के साथ थे, बाबा की गाड़ी के आसपास जो खड़े थे, जैसे ही ये लोग बाबा के भक्त पहुंचते हैं गाड़ी तरफ भागते हैं, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, तो वहां जो बाबा सच्चा कर्मी थे वो धक्के मुक्की कर देते हैं। हाईवे था, वो हाईवे के दोनों तरफ वो एक ढलान था, फिसलन टाइप का ढलान थी, तो धक्का मुक्की होता है, ढलान की वजह से कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, अधिक जैसे वो लोग करते हैं भगदड़ और बढ़ जाती है वहाँ, तो जो नीचे रह जाते हैं वो बेचारे, वो लेडीज थी, बच्चे थे, वो सबकी सब जो थे वहाँ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाबा वहाँ फील कर देते उधर के गाड़ी में, सबसे बड़े मोस्ट वांटेड इसमें अपराधी में बाबा को मानूंगा, क्योंकि बाबा अपील कर देते पब्लिक से तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, ये इतना बड़ा दर्द हाथस का नहीं होता। मैं चाहता हूँ, मुझे सबसे बड़ा दर्द इसी बात का है कि सरकार ने अभी तक बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बाबा के खिलाफ अभी तक ना कोई FIR की गई है। सबसे पहले बाबा के खिलाफ FIR करके बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए, और बाबा से बाबा गिरफ्तारी होगी तो बहुत सारी सच्चाइयां खुल के आपके सामने आएंगी, और आगे अगर ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हो सकता है देश में ऐसे आयोजनों में पुनरावृत्ति न हो। हाँ, जो हमारे पास जो चीजें थी, जो हमारे पास हमने जो देखा था, बातचीत की थी, उसको साझा किया है, कुछ एक दो वीडियो है उनको भी हमें अपने फोन ले गए थे, आगे उनको भी साझा कर देंगे, और हम चाहते हैं कि इसमें बाबा के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, तभी हाथरस के पीड़ितों को न्याय मिलेगा।